अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कतर अपडेट जहाँ से भी लेना है वो है उबैद ताहिर सर का। उनका सोशल मीडिया यूट्यूब है, टिकटॉक है, उनको फॉलो कीजिए ताकि आपको सही जानकारी मिले। कतर गवर्नमेंट की अपडेट जो भी आती है आपको वहाँ से एग्जैक्टली बराबर मिलती है, फेक कहीं से भी नहीं होएगा, बढ़ चढ़ा के कुछ नहीं बोलते। तो चलिए उनका एक वीडियो छोटा सा देखते हैं, उसके बाद में उनके बारे में बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में दो बातें आपको बतानी हैं, दोनों ही जरूरी हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ से और दूसरी है एशियन फुटबॉल कप में वॉलंटियरिंग के मुतालिक। तो पहले हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, जिसने ऐलान किया था कल के नए चार्जेस अब शुरू किए जा रहे हैं और लोगों में बहुत पैनिक हो गया था। तो आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि फर्स्ट फेज में ये चार्जेस सिर्फ विजिटर्स पर लगाए जाएंगे, यानी कि वो लोग जो कतरी नेशनल नहीं हैं या कतरी रेजिडेंट्स नहीं हैं, सिर्फ घूमने घामने आए हैं, और बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि वो घूमने की आड़ में अपना इलाज करवाते थे, तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए और इस तरह की धोखेबाजी को रोकने के लिए ये चार्जेस अब शुरू किए जा रहे हैं, पहले विजिटर्स के लिए। उसके बाद जब जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनका जो इंश्योरेंस का सारा मामला है वो पूरा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद नए चार्जेस का ऐलान किया जाएगा या ये कि इनको उन पर लागू किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि अब परेशान ना हो। फिलहाल जिस तरह की सर्विसेज रेजिडेंट्स को दी जा रही हैं, जितने चार्जेस पे दी जा रही हैं उतने ही पे चलती रहेंगी। सिर्फ जो विजिटर्स हैं उनके लिए ये चार्जेस होंगे जो कि नए अब लागू कर दिए गए हैं। दूसरी बात है कि अगर आप एशियन फुटबॉल कप 23 में आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, जी हाँ 23 मैंने सही कहा है, होगा ये 24 में क्योंकि आगे बढ़ गई थी इसकी डेट, जनवरी में शुरू होगा, फरवरी तक जाकर के ये खत्म होगा। अगर आप इसमें वॉलंटियर करना चाहते हैं तो आपके पास ये मौका है। 6000 वॉलंटियर्स चाहिए होंगे इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए, और उसके लिए जल्द ही एक वेबसाइट बाकायदा शुरू कर दी जाएगी, और वो है वॉलंटियर एशियन कप 2023.qa, ये वेबसाइट है जहां पर जाकर के आपको रजिस्टर करना होगा, और उसमें जो जो आपसे पूछा जाएगा वो तमाम डिटेल्स आप एंटर कीजिए, और फिर आपके पास एक चांस है कि आप इस एक बड़े इवेंट का हिस्सा बन सकें। वीडियो को शेयर कीजिए और परेशान मत होइए, जो बात आपके लिए ज़रूरी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और उसके लिए उसका तरीका ये है कि आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कीजिए, चाहे आप फेसबुक पे हों, चाहे टिकटॉक पे हों, और चाहे यूट्यूब का मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़। जो भी कतर का अपडेट चाहते हैं वो उबैद ताहिर सर का यूट्यूब चैनल और टिकटॉक है, फेसबुक है, वहाँ पे फॉलो कीजिए ताकि आपको सही जानकारी मिले सही आदमी से। फेक लोग मतलब अपने वीब बनाने के लिए बहुत सारे लोग फेक बनाते हैं वीडियो वगैरह, और स्टम मतलब वो वीडियो का जो मेन स्क्रीन रहता है उस पर बहुत सारे चीज़ें लगाए रहते हैं, वो सब फेक रहता है। इसीलिए असली जो बंदा जो जानकारी सबसे ज़्यादा रखता है उसी को फॉलो करना है। तो उबैद ताहिर साहब जो है FM 107 में RJB हैं, रिपोर्टर हैं, न्यूज़ भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, और पुलिस और आवाम में आते हैं, हर जगह वो आते हैं, तो इन्हीं को फॉलो करो। दूसरे और को सच बताते होंगे मगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बताते हैं। ये गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के जो अपडेट आता है वही अपडेट आपको देते हैं, तो इनको फॉलो कीजिए। थैंक यू।